ये मत सोचो कि ऊपर नरक मरने के बाद जाएंगे। आजकल का भगवान ऐसा नहीं, लैपटॉप वाला भगवान है। पहले भगवान कर्मों का फल वही खाते में देते थे तो देर लग जाती थी, आजकल भगवान ने भी आईफोन वाला लैपटॉप ले लिया है। हाँ भाई, तेरे कर्म का क्या फल निकाल के देखा, ऐसा फल तुरंत ये ले सजा। सब यही भोग के जाओगे, इसलिए इस चक्कर में मत रहो कि इस जन्म में एंजॉय करें अगले जन्म में कर्म का फल मिलेगा। ना जी ना, सब कुछ यही मिलेगा। भगवान भी तेज हो गया, तुम ही तेज नहीं हो। मेरे प्यारे, मैं निवेदन करूंगा अपनी संस्कृति को अपनाओ। भोजन रसोई घर में शुद्ध बनना चाहिए, चप्पल उतार करके भोजन बनाओ। हाँ, आजकल तो वो बड़े बड़े जूते पहन करके माताएं ठंड में ऐसा भोजन बनाती हैं। और रसोई घर में जहाँ अन्नपूर्णा मैया का स्थान होता है, उसी में एक सिंक लगी, गंदे गंदे कपड़े, गंदे गंदे पात्र उसी में डाल दिए, उसी में जूठन, उसी में ठाकुर जी के लिए। वो क्या कर रहे हो? कथा का मतलब ये नहीं भगवान प्रकट हो जाएगा, ये चक्कर में मत रहना। अगर प्रकट हो जाता कथा से तो तुमसे पहले हमें मिलता। ये मत सोचो शिवानंद कथा सुनाएंगे तुम सुनोगे कल कन्हैया मिल जाएगा, बंसी बजाएगा, कल्याण हो जाएगा। कथा से सिर्फ आपको अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलेगी, और जब अच्छे मार्ग पर चलोगे तब ही गोविंद मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। रसोई घर को शुद्ध रखो, भोजन बनाओ तो शुद्धता के साथ, और जब भोजन बनाते ही हो तो ईयरफोन लगा के कई माताएं गाने सुनती हैं। अरे गाने सुनने की बजाय ठाकुर जी का भजन कर लो, और जैसे भजन करोगे वो भोजन फिर भोजन नहीं बचेगा, वो भोजन गोविंद का प्रसाद बन जाएगा, भोजन नहीं बचेगा। और ऐसा भोजन करने से जीवन में रोग नहीं आते। एक बार ठाकुर जी को भोग लगाना शुरू कर दो, फिर देखो ये जो कैंसर से, अल्सर से, इन सब बीमारियों से पीड़ित हो, देखना एक बार बिहारी जी को भोग लगा के, निहाल ना हो जाओ तो कहना, मस्त ना हो जाओ तो कहना। जैसे नंद बाबा आज मस्त हो गए, जैसे पता चलो कि लालो भयो है, आहा बाबा झूमने लग गए, नाचने लग गए, आज तो मेरे घर आनंद आएगा, कन्हैया आ गए मेरे। 80 बरस के हो गए नंद बाबा, 80 बरस नंद बाबा ने प्रतीक्षा की। और एक बात कहूं ना, भगवान सदैव प्रतीक्षा से मिलते हैं, और ऐसे नहीं। रामायण में 3 लोगों ने भगवान को पाना चाहा, शूर्पणखा, सती जी और सबरी, लेकिन मिले सिर्फ सबरी को। कारण शूर्पणखा समीक्षा से भगवान को पाना चाहती है, कहती तुम सम पुरुष नमोसम नारी, मैं और तुम एक हूं। सती परीक्षा से भगवान को पाना चाहती है, भगवान नहीं मिले, और सबरी प्रतीक्षा से पाना चाहती है। और जैसे प्रतीक्षा करी, 77 वर्ष सबरी ने प्रतीक्षा करी और भगवान मिल गए सबरी को। वेट करो ना, आजकल जैसे गुरु दीक्षा ली, सो एक महीना बीता, गुरु जी को फोन करने लग गए, गुरु जी कुछ फील नहीं होता, गुरु जी भगवान नहीं मिल रहा है। अरे बावरो, थोड़ी तो वेट करो, ऐसे अगर भगवान एक माला से मिल जाए तो फिर हो गया काम। प्रतीक्षा करो, और प्रतीक्षा ही भगवत प्राप्ति का मार्ग है, प्रतीक्षा के अलावा कोई मार्ग नहीं है। ओ उसके इंतजार में खड़े रहो, बिहारी कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे। लाइन में अगर खड़े हो तो नंबर जरूर आएगा, पर खड़े तो हो एक बार, उसके लिए पागल तो बनो। दुनिया जब कहने लग जाए तो बावरा हो गया, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल रुपया नारी का, सच्चा पागल तो वो ही है जो पागल है बाकी बिहारी का, कोई पागल है। नंद बाबा पागलों की तरह प्रतीक्षा किए हैं, अब आज में ये सौभाग्य आ गया जीवन में, कन्हैया का प्राकट्य हो गया। और जैसे कन्हैया आया, जात कर्म संस्कार किए, बाबा ने सबसे पहले दान देना शुरू किया, लुटाना शुरू किया। क्यों? जीवन की वास्तविक संपत्ति मिल गई, अब ये साधारण संपत्ति नहीं चाहिए, ले जाओ मुझे तो मेरा सांवरा मिल गया।
किसी के कान में हीरा, किसी के हाथ में हीरा, हमें क्या काम हीरों से, मेरा घनश्याम खुद हीरा, मेरा घनश्याम खुद हीरा। नहीं चाहिए, नंद बाबा लुटाने लग गए। और एक बात आपसे बता दूं, संस्कार टीवी वालों आप भी सुन लो, यदि आप चाहते हो कि आपके घर का पैसा व्यर्थ में खर्च ना हो, यदि आप चाहते हो आपके घर का पैसा बीमारी में ना लगे, जुआ में ना लगे, गंदगी में ना लगे, वैश्यालय में ना लगे, मदिरालय में ना लगे, डॉक्टर के यहाँ ना जाए, बीमारी में ना लगे, तो एक बात नोट कर लो, क्या अपने पैसों में से 3-4 काम कर लो। कौन से? पहला काम, आप अपने जीवन में साधु सेवा शुरू कर दो। भले एक रोटी खिलाओ, पर आपके द्वार से कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। दूसरा काम, गौ सेवा प्रारंभ कर दो। गौ सेवा बड़ा अनन्य फल है। तीसरा काम, किसी बेसहारा का सहारा बन जाओ। और चौथा काम, कन्यादान करना शुरू कर दो। एक करके एक बार देखो, मैं मिर्ची बाबा वाला बाबा नहीं हूँ, चटनी से कृपा नहीं बरसाता हूँ, गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, एक बार ये सेवा करके देखो प्यारे, जीवन निहालना हो जाए तो कहना, एक बार करके देखो, एक बार करके देखो।